अध्याय 10। भिक्षु का वीता अध्ययन से पूर्व। ये सब लोग भी क्या मेरी तरह सहयोग प्राप्त करते हैं? सोनी समाज में मौजूद गरीब असहाय एवं उत्पीड़ित की मदद सदैव करनी चाहिए। कहानी का मूल तत्व गरीबों एवं भिक्षुओं के प्रति दया दृष्टि रखना। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीट दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए, ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने में खींच लूंगा, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जब दार्थ भाग्य विधाता अर्थात ईश्वर, दया दृष्टि अर्थात दया भरी दृष्टि, लकुटिया अर्थात लाठी, टेक अर्थात सहारा, टुक अर्थात टुकड़े, पथ अर्थात मार्ग, उच्चारण करें, हृदय आंसुओं कलेजे, अभिनय अमृत पत्तल, अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कविता के माध्यम से बच्चों को घटनाओं व हादसों में विपरीत परिस्थिति के वातावरण को विस्तार पूर्वक समझाएं। अभ्यास कार्य जरा बताइए। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, भिक्षुक द्वारे द्वारे क्या मांगता है? उत्तर, भिक्षुक द्वारे द्वारे भिक्षा मांगता है। ख, कवि के अनुसार भिक्षुक की दशा कैसी है? उत्तर, इस कविता में कवि ने एक भिक्षुक की दुखद दशा का वर्णन किया है। ग, कवि ने किसको अपनी कविता का पात्र बनाया है? उत्तर, कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र बनाया है। घ, कविता किस कवि द्वारा रचित है? उत्तर, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। जरा लिखिए। प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र क्यों बनाया? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि ने भिक्षुक के जीवन को समझाने की कोशिश की है कि गरीबी एक ऐसी समस्या है जो समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करना अपना कर्तव्य है, इसलिए कवि ने भिक्षुक को अपनी कविता का पात्र बनाया है, ताकि हम सब उन लोगों के साथ संवेदनशील हो सके जो समाज के अत्यंत गरीब लोगों की मदद करते हैं। ख, बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या प्रयत्न करते हैं? उत्तर, प्रस्तुत कविता में बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी पुरानी झोली को लोगों के सामने फैलाते हैं और उनसे दया दृष्टि की भावना की उम्मीद रखते हैं। ग, भिक्षुक के बच्चों की दशा भूख के कारण कैसी हो गई है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में बच्चों की स्थिति दयनीय है, वह अपनी भूख मिटाने के लिए कभी अपने हाथ से अपने पेट को सहलाते हैं तो कभी अपनी भूख से सूखे होठों से भिक्षा मांगकर लोगों के सामने झोली फैलाते हैं। घ, प्रस्तुत कविता में दो टुक कलेजे से कर्ता से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, दो टुक कलेजे का अर्थ है कि बहुत दुखी होना। प्रस्तुत कविता में भिक्षुक बहुत दुखी है। प्रश्न तीन, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। चाट रहे डैश अड़े हुए, ठहरो आहा डैश सकोगे तुम, तुम्हारे दुख डैश दो टुक डैश पथ पर आता। प्रश्न चार, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, भिक्षुक क्या फैलाता है? पुरानी डोली, फटा बस्ता, फटी चादर, कोई नहीं। उत्तर, कोई नहीं। ख, सड़क पर कौन अड़े खड़े हैं? भिक्षुक, कुत्ते, लोग, सभी। उत्तर,
कुत्ते, ग भिक्षुक क्या पीकर रह जाते हैं? पानी, खून, आंसू, शरबत। उत्तर आंसू। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। क मुट्ठी भर। उत्तर दाने। ख फटी पुरानी। उत्तर झोली। ग भूख से सूख। उत्तर ओट। घ दो टोक। उत्तर कल ले जा। प्रश्न 6, कविता के अधूरे गद्दे को पूरा कीजिए। क सात तो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिने दाया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से भूख और चप जाते, दाता भाग्य विदाता से क्यों पाते, घोट आंसुओं के पीकर रह जाते, दो चुप कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। ख पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुट या टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। जरा सोचिए। प्रश्न 7, एक सफल तथा अच्छे मनुष्य बनने के लिए हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का होना आवश्यक है? लिखिए। प्रश्न 8, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के 5 काव्यों के नाम सोचकर लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। क भिखारी। उत्तर भिक्षुक। ख मक्खी। उत्तर मक्षिका। ग ओठ। उत्तर ओष्ठ। घ नाम। उत्तर नाम। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। क पत्तल। ख हृदय। ग मुट्ठी। घ आंसू। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों के अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। क दया दृष्टि। उत्तर कृपया रखना, यदि आपकी दया दृष्टि हम पर यूं ही बनी रहेगी तो आगे भी सब अच्छा होगा। ख भाग्य विधाता। उत्तर सर्वशक्तिमान कर्म ही सभी का भाग्य विधाता होता है। ग हृदय। उत्तर दिल, विनोबा जी की जीवनी पढ़कर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। घ लकुटिया। उत्तर छोटा डंडा, वे बुजुर्ग अपनी छोटी लकुटिया के सहारे चलता था। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण लगाकर लिखिए। क पंख। ख तुरंत। घ कुंठा। घ कंधा। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। क समाज। उत्तर सामाजिक। ख सेवक। उत्तर सेवा। ग अपना। उत्तर अपनापन। घ सुंदर। उत्तर सुंदरता। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14, भिक्षुक की दैनीय अवस्था को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। प्रश्न 15, भिक्षुक के अधिकारों का हनन किस किस तरह से किया जाता है? कक्षा में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 16, व्यक्ति की पहचान पद, वर्ण, जाति आधार पर नहीं अपितु व्यक्तित्व आधार पर होती है। आप किन के प्रति अपनी दया दृष्टि दिखाना चाहेंगे?